जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं सीता नवमी की कथा। सीता नवमी का व्रत हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन किया जाता है। इस बार सीता नवमी का व्रत जो कि 10 मई 2022 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। इस दिन को माता सीता के प्राकट्य के रूप में मनाया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ सीता नवमी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, माता सीता और भगवान श्री राम की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वैशाख माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन माता सीता का प्राकट्य हुआ था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी को पुष्य नक्षत्र के मध्याह्न काल में जब महाराज जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि को तैयार करने के लिए हल से भूमि को जोत रहे थे, उस समय पृथ्वी से एक बालिका का प्रकट हुआ। वही माता सीता हुई। ज्योति हुई भूमि तथा हल के नोक को भी सीता कहा जाता है, इसलिए उस बालिका का नाम भी सीता रखा गया। अतः इस पर्व को जानकी नवमी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत को रखता है एवं भगवान श्री राम माता सीता का पूजन पूरे विधि विधान के साथ करता है, उसे 16 महान दानों का फल प्राप्त होता है। पृथ्वी दान का फल तथा समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। सीता नवमी तिथि के दिन इस दिन माता सीता भगवान श्री राम का पूरे विधि विधान के साथ उपवास रहते हुए पूजन करना चाहिए। उपवास अगर ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। विशेष प्रकार से पूजन विधि शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारियां प्राप्ति के लिए आप वीडियो के आइकन में जा करके जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो सुनेंगे सीता नवमी की कथा। अगर आप सीता नवमी तिथि पर ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सीता नवमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री रामचंद्र की जय, सीता माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। पौराणिक कथा के अनुसार मारवार क्षेत्र में एक वेद पाठी श्रेष्ठ धर्म धुरीन ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम देवदत्त था। उस ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्भिता पत्नी थी, उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंस कर व्याभिचार में प्रवृत्त हो गयी। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने पूरा गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि जब मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ रोग हो गया तथा व्याभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई थी। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी नगरी पहुंच गई। संयोग बस उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो कि समस्त पापों को नाश करने में समर्थ है। सीता जानकी नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री हमें प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा कि हे देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा, कल पारणा करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई। किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया।
अब तो परम कृपाल ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्बल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरा, उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिसमें जानकी रघुनाथ की प्रतिमा स्थापित करवाई। अतः सीता नवमी पर जो भी श्रद्धालु माता जानकी भगवान श्री राम का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ श्री जानकी नवमी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, माता सीता और भगवान श्री राम की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से सियापति रामचंद्र की जय। इस बार जानकी नवमी का व्रत जो कि 10 मई 2022 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। इस व्रत को वैशाख शुक्ल नवमी तिथि के दिन किया जाता है। तो नवमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 9 मई 2022 दिन सोमवार शाम 6:34 और नवमी तिथि की समाप्ति होगी 10 मई 2022 दिन मंगलवार शाम 7:26। तो सूर्योदय व्यापनी समय के अनुसार इस व्रत को 10 मई 2022 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री राम, माता सीता और जहां पर इनका पूजन होता है वहां पर हनुमान जी का भी पूजन करना चाहिए। यह बड़ा ही पुण्यदायक होता है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए और फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे माता सीता और भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन राहु काल का समय जो कि दोपहर 3:05 से शाम 4:45 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए या लाभकारी नहीं होता है। इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:07 और सूर्यास्त शाम 6:25, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:20 से दोपहर 12:12 तक। इस दिन नक्षत्र जो कि मघा नक्षत्र शाम 6:40 तक है, उसके बाद फिर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। सीता नवमी तिथि के दिन इस दिन रवि योग भी होगा जो कि संपूर्ण दिन तक रवि योग होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जो भी व्रत को रखते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। सुबह और शाम के वक्त विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए, भजन कीर्तन आदि का कार्य करना चाहिए। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार का सेवन करें। इस दिन शाम के पूजन के बाद आरती कर लेने के बाद माता को विशेष प्रकार से इस दिन गुड़ तथा दूध से बने हुए वस्तु का भोग लगाया जाता है, उसी को आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जा करके इस व्रत का पारण किया जाता है। सीता नवमी तिथि के दिन इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगर किसी भी प्रकार का व्रत को करते हैं तो व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए ही व्रत को रखना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है और माता सीता माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इसलिए बिल्कुल भी इस दिन महिलाओं का अपमान ना करें। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करें, भगवान नाम का स्मरण भजन कीर्तन आदि करते रहें, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।